कोविड टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जिला अस्पताल सहित 25 केंद्रों पर 3,356 लोगों को कोविड का टीकाकरण लगाया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 2,232 और सेकेंड डोज लेने वालों में 1,124 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिले में 2 अभिभावक स्पेशल तथा 2 महिला स्पेशल बूथ बनाया गया है, जिसमें वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम में 1 बूथ पर ठेला खोमचा वालों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, अंदर जो खड़े हैं मतलब जो बाहर खड़े हैं आपके आएंगे जो आज हमारे जिले में 25 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। 1 तारीख से काफ़ी बेहद मात्रा में टीकाकरण चलने की संभावना है। हमारे पास वैक्सीन भी प्रॉपर में उचित मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना है, तो उसके बाद से हम काफ़ी संख्या में टीकाकरण कराएंगे। सर, सातों ब्लॉक पे क्या कमी है, पब्लिक परेशान हो रही है, बवाल जैसा माहौल हो रहा है, क्या कमी है इधर? थोड़ा पब्लिक जागरूक हो गई जो कि टीकाकरण केंद्रों पर आ रही है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग जागरूकता अभियान चलाए थे, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भी कराए। 1 हफ्ते में 1.5 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हो गया था। उसके पहले हमारा 10,000 से 11,000 के आसपास वैक्सीनेशन जाता था। पिछले हफ्ते हमारा 30,000 के आसपास का वैक्सीनेशन हो रहा था। तो पब्लिक थोड़ा जागरूक हो गई है और नेक्स्ट वीक से हम बहुत अच्छी तरह से टीकाकरण कराएंगे, जिससे सभी लोगों को जल्दी से जल्दी हम टीकाकरण कराएंगे।